भविष्य में नॉनवेज खाने वालों पर जानवरों को मारने का इल्जाम भी नहीं लगेगा क्योंकि मीट लैब में बना करेगा। इस बीच 3D प्रिंटर की मदद से भी कई तरह के खाने प्रिंट किए जाने लगे हैं। इन कई तरह के बदलावों से गुजर रही खान पान की दुनिया कैसी होने वाली है, यहां डालिए नजर। महानगरों के तनावग्रस्त लोगों के लिए स्वस्थ खाना। ट्रेंड इस बात का है कि हर चीज जल्द मिले। कैचवर्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंसान बटन दबाते ही अपनी इच्छा पूरी होते देखना चाहता है। लंच ब्रेक के दौरान ये खास अहम है क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए उतना वक्त नहीं होता। जर्मनी के दो तिहाई लोग स्वस्थ आहार पर जोर देते हैं, कम से कम वे सर्वे में तो यही कहते हैं। सुपरमार्केट इस ट्रेंड की पुष्टि कर रहे हैं। वहाँ मीट की बिक्री कम हो रही है और सब्जियों की बढ़ रही है। पिछले सालों में वीगन लोगों की तादाद बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से ये ऐसी तेज बढ़त है जो आने वाले सालों में कम होगी, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि वीगन एक ट्रेंड होगा। हमारे ग्राहक पहले ही की तरह मीट खाते हैं, वे अब ध्यान देकर खा रहे हैं, थोड़ा कम लेकिन क्वालिटी का। होम सर्विस ग्रीन गुरु में सुबह से कुछ सलाद की प्लेटें बची हुई हैं, लेकिन उसे फेंकने का यहाँ कोई इरादा नहीं है। समाधान डिजिटल है। स्टार्टअप रेस्क्यू बचे हुए खाने की सप्लाई करता है। इस तरह पिछले साल 1,00,000 प्लेटें फेंके जाने से बचाई गईं। रेस्क्यू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग रेस्तरां और कैफे में बचे हुए खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि खाना बर्बाद ना हो। अगर पूरे यूरोप में देखें तो हम 30,000 किलो खाना बचा रहे हैं। खाना बचाएं या जरूरत के हिसाब से बनाएं, ये भी भविष्य का सपना है। प्रिंटर से खाना, सब कुछ मन माफिक, तो फिर लीजिए खाने का मजा।